बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स के बारे में जो कि हम डिफरेंट किस्म की ड्रग की जो पॉइजनिंग हो जाती है उसमें के अंदर दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीडोट होता क्या है। जब भी हम कोई भी ड्रग देते हैं किसी भी पेशेंट को, हद से ज्यादा अगर हम ड्रग दे दें या कोई पेशेंट जो है खुद सुसाइड कर ले किसी ड्रग की पॉइजनिंग हो जाए, तो उसके जो एज ए रिजल्ट के तौर पर हम एंटीडोट देते हैं उसको एंटीडोट कहा जाता है और वो उस पॉइजनिंग को जो है वो खत्म कर देता है। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट एंटीडोट कौन से हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, सबसे पहला जो एंटीडोट है हमारे पास वो है इंसुलिन का, कि ऐसे तमाम पेशेंट जिनको इंसुलिन की पॉइजनिंग हो जाए, यानी इंसुलिन बहुत ज़्यादा ले लें या इंसुलिन डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा दे दें किसी भी सूरत में, तो उससे क्या होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हम उसको ग्लूकोज देंगे एज ए एंटीडोट के तौर पर, ताकि उसकी जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है वो नॉर्मल हो सके। अगला जो एंटीडोट है हमारे पास वो है कि अगर ऐसे पेशेंट जिनको वारफ्रीन या जो है दूसरा जो हमारे पास ड्रामामाइन, इसकी जो है पॉइजनिंग हो जाए, तो उसके एज रिजल्ट के तौर पे हम देते हैं विटामिन के, क्योंकि वारफ्रीन जो और कोमिडीन जो है ये एंटीकोगुलेंट्स हैं, तो विटामिन के जो है वो कोगुलेशन करवाता है, तो उसके एंटीडोट पर हम विटामिन के को देते हैं। अगला जो एंटीडोट हमारे पास आता है वो है मॉर्फिन का, कि ऐसे तमाम पेशेंट जिनको मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए, जो कि एक पेन किलर है, सिडेशन है इसके अंदर, तो उसकी जो एंटीडोट के तौर पे हम नेलेक्सोन देते हैं। अमूमन ये जो है एनेस्थीजिया, जब बहुत ज़्यादा अगर उसकी पॉइजनिंग हो जाए तो उसके रिजल्ट के तौर पर भी नेलेक्सोन को दिया जाता है अमूमन। अगला जो एंटीडोट हमारे पास आता है वो है हेपरिन का, कि हेपरिन जो है अगर उसकी पॉइजनिंग हो जाए, ये भी अमूमन जो है एंटीकोगुलेंट्स में भी आता है, इसके लिए हम प्रोटामिन सल्फेट देते हैं ताकि वो उसकी जो है एंटीकोगुलेंट जो है उसकी पॉइजनिंग को जो है काफ़ी हद तक कम करें। अगला जो एंटीडोट है हमारे पास वो है डोपामीन का। डोपामीन क्या है, हमारे पास एक ऐसा ड्रग है जो कि एडिनर्जिक जो है एगोनिस्ट है, उसकी अगर किसी पेशेंट को पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए हम एंटेगोनिस्ट देते हैं, यानी जो एडिनर्जिक अल्फा एंटेगोनिस्ट है जिसमें फेंटोलामीन आता है, वो उसकी पॉइजनिंग को जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। अगला जो ड्रग है हमारे पास वो है ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, यानी ऐसे तमाम पेशेंट जो कि एंटी डिप्रेसेंट बहुत ज़्यादा ले लें या डॉक्टर किसी वजह से उनको दे दे, तो उसके एंटीडोट पे अमूमन हम फाइजोस्टिगमीन देते हैं। फाइजोस्टिगमीन जो है ये कोलिनर्जिक है इनडायरेक्ट, लेकिन जो ट्राइसाइक्लिक अगर पॉइजनिंग हो जाए तो उसके लिए हम ये ड्रग अमूमन दे सकते हैं। अगला जो ड्रग है हमारे पास वो है कि ऐसे तमाम पेशेंट जिनमें फ्लोराइड्स की जो है इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी पॉइजनिंग हो जाए, तो उसके एंटीडोट के तौर पर हम अमूमन कैल्शियम के साल्ट्स दिए जाते हैं पेशेंट को, जो कि फ्लोराइड के इंजेक्शन को काफ़ी हद तक कम करते हैं। अगला जो एंटीडोट है कि डिजॉक्सन जो है उसकी अगर पॉइजनिंग हो जाए, डिजॉक्सन जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइट है, तो उसकी अगर पॉइजनिंग हो जाए तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है अमूमन। तो डीजी बैंड एक ब्रांड है, उसके नाम से ये मतलब ड्रग आता है, जिसमें डिजॉक्सन इम्यून एफएबी होता है, जिसे हम फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग कहते हैं, ये उस पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसके अंदर जो डिजॉक्सन की टॉक्सिसिटी है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सके। और अगला जो हमारे पास ड्रग है वो है आखिरी और 10वें नंबर पे, वो आता है पैरासिटामोल की ओवरडोज, जो कि हम नॉर्मल पैनाडोल की जो गोलियां खाते हैं उसकी अगर ओवरडोज हो जाए, कोई पॉइजनिंग बंदा कर ले, तो उस पेशेंट को जो अमूमन एसिटाइल सिस्टीन दिया जाता है, ताकि जो पैरासिटामोल की जो ओवरडोज है उसकी जो पॉइजनिंग हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है, उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सके। तो ये थे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट मेन एंटीडोट्स जो कि आपको पता होने चाहिए, जो डिफरेंट ड्रग्स में यूज की पॉइजनिंग में भी यूज़ होते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ होते हैं, डॉक्टर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक एंटीडोट हमारे पास रह गया था आयरन का, कि आयरन की अगर पॉइजनिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा आयरन किसी को दे दिया जाए, तो उसके लिए हम डिफ्रोक्सामीन देते हैं, ताकि उसकी जो पॉइजनिंग है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने मेडिकल जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास है उसके साथ लाजमी से इसको शेयर करें। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, जो कि किसी भी हेल्थ से रिलेटेड हो या किसी भी डिजीज से रिलेटेड हो, जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकती है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहां जाके भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।